मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखे, बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना। मैं फोन करूंगी, हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसे तो नहीं होता। आपके तो कुछ एक दोस्त भी हैं हमारे, कुछ मेरे कोई भी दोस्त तो वहां नहीं पहुंचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुंचते। बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनैतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, ये फिल्म देखे। स्पेशली इवन द मीडिया पीपल, मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में जो मैं कहूँगी। इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पे ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीजों पे है। और आप जो बोल रहे हैं ना पॉलिटिशियन देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें। रिद्धि जी, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सो अगर कोई एक सवाल जर्नलिस्ट से पूछना हुआ आपको तो वो क्या होगा? मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो, मतलब बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो ग्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो। मेरे मेरे नो आखिरी दो सवाल अभी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सर किसी और को भी जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे, अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग हमसे, ये उम्मीद कर कोशिश रहा हूँ। कोशिश सर सर हम गलतियां हमसे भी होती हमेशा हैं। दिक्कत जी, आपसे आखिरी सवाल, आप कई बार जिक्र आया यहाँ, रूना ने जिक्र किया मोदी जी का, भाई मेरे पीछे जो मेरे साथी मित्र हैं अरुण, उन्होंने कहीं अमित शाह का जिक्र किया, और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है। आपको पता है हमने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है, आई एम अवेयर अबाउट इट। ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए फैक्ट कवर जाने, ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शन अनाउंस होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ, जब तक नहीं जानोगे तो आप कोरिलेशन फाइंड करो। क्या आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का इतना ज्यादा दखल है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा में आपको ट्रोल करा जा सकता है? मेरे को तो एनी वे ट्रोल करेंगे लोग, अगर मुझे ट्रोलिंग का डर होता बहुत पहले मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरे दिन का, सुबह उठती हूँ क्या पहना वहां से ट्रोलिंग शुरू होती है। एकदम क्या नहीं पहना उससे भी होती है, ट्रोलिंग से नहीं करने वाली। सर एक चीज और मैं भी जोड़ना चाहूंगा, एक चीज मैं भी जोड़ना चाहूंगा प्लीज, इस देश में माता दी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, इस देश में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं, प्लीज इसको इस नजरिए से मत देखिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि ये जस्ट चेक द डेट्स प्लीज, आप ये चेक कर लेंगे तो आपको आपको आंसर मिल जाएगा। एकता, रिद्धि एंड विक्रांत यहाँ पे, सिमरन सिंह है, हाँ जी यहाँ पे विक्रांत भाई, हाँ जी बाजी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, इट लुक्स हार्ड हिटिंग। मेरा सवाल आप तीनों से बनता है, जैसे यहाँ पे हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, एक सोशल कंडीशनिंग वो भी रही है जिससे आप तीनों वाकिफ हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो है टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। जब कोई टेलीविजन से फिल्म में आता है तो वो भी एक हमने देखा है कि वो एक्सेप्टेंस किस लेवल का रहा है। आप एज अ प्रोड्यूसर आपने भी फेसेस किए होंगे चैलेंज, एज एन एक्टर यू ऑल्सो हैव चेंज, सो प्लीज आप तीनों अपने पर्सपेक्टिव बताएं कि ये भी एक जंग थी जो लड़ी गई है, जंग है, सी है, ये जंग है जो मैं तो लड़ी रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आप टीवी से, आपको फिल्में आती नहीं है ऐसे। हाँ मुझे छोटी मीडियम्स इतनी नहीं आती जितनी बड़ी मीडियम्स आती हैं। टेलीविजन इज अ स्मॉल मीडियम, आई नो इट बेटर, बट आई पर्सनली बिलीव मीडियम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉन्टेंट, और कॉन्टेंट अच्छा हो तो चल जाता है। एंटरटेनमेंट 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 तीनों जगह यही काम करते हैं। सिमरनपाजी, नहीं सिमरनपाजी, ये बहुत सही चीज कही आपने, और मैंने ये कई बार कहा है, मुझे 12 साल हो गए हैं सिनेमा में काम करते हुए, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कोल्ड शोल्डर था, एक परसेप्शन था, एंड आई थिंक हम दोनों ने भी बात की है इस बारे में, तो वो है और वो कंडीशनिंग है, बट
बट मेरी जंग हमेशा ये रही है कि टैलेंट मैटर करना चाहिए। आप कहीं से भी आए, आप कोई भी भाषा बोले, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको वो मौका मिलना चाहिए। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। और वो जंग है जैसे रिद्धि ने कहा, रिद्धि को कट के था, कट रही हूँ ध्यान से। नो आई थिंक जंग है और मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, और आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलता अगेन टू लुक कूल, क्योंकि आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बोलना कि वी आर इंक्लूसिव। तो हम आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन जब आप रूम से चले जाएंगे या फिर अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपने टेलीविजन किया हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत यू नो आपको चेहरे पे देख के या पार्टी में जरूर बोलेंगे या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। सो यस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने हमेशा से अपने काम पे फोकस किया। जैसे विक्रांत कह रहे हैं, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो आप हेल्पलेस फील करते हैं ना कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है, और एकता जैसे या एटली जैसे या ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, जिनको आपसे आपके काम से मतलब है, और वो खुद इतने आई वुड से रेवोल्यूशनरी होते हैं खुद, या खुद इतने सरफिरे होते हैं कि वो बोलते हैं कि वी डोंट केयर। सो ये जो बीच में मीडियोकर क्राउड होता है ना, उन्हीं में ये बातें होती है क्योंकि उनको कूल लगना होता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कूल होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। तो हमको सीधा जाके उनसे मिलना चाहिए। और ट्रोलिंग होगी बिकॉज मेरे कपड़ों पे लोग बोलते हैं कि मुझे, मैं वेरी फार फ्रॉम कूल हूं। ओके, वी हैव वन मोर मिनट, आई विल टेल यू व्हाई। आपके आने से पहले हमारे जो फैंस हैं ना,